अबे यार अब इन लोगों को हम खाना ऐसे नहीं डाले, इन सबसे चैनल सब्सक्राइब करवाएंगे। कहाँ से निकला? बस इतना सा शो था इसका, पैसे खत्म। एक दफा और 10 रुपए का और कर लो। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? तो आज भी हम हाजिर हैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा और बहुत डिफरेंट ब्लॉग लेके, जो कि है कराची के ज़ू पर। कराची का जो चिड़ियाघर है वो गार्डन में वाक़ है, और कराची में रहने वाले मोस्टली लोगों ने वो देखा होगा, वहाँ अपनी फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ जाते होंगे। तो जिन लोगों को इत्तेफाक़ नहीं हुआ अभी तक जाने का, या जो फिर आउट ऑफ सिटी रहते हैं, तो उन लोगों के लिए जो है ना, हमने बोला इस वहाँ जाके एक वीडियो बनाते हैं, वहाँ पे किस क्या हालत है जानवरों की, और किस हाल में उनको रखा हुआ और क्या पोजीशन है। तो अच्छा, इस मैं पहले ही आपको बता दूं कि इस वीडियो को, व्लॉग को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो बन गई थी। तो फर्स्ट वीडियो जो है ना वो ये है, इसमें कुछ जानवर, कुछ एनिमल और कुछ बर्ड्स हम आपको दिखाएंगे, और सेकंड पार्ट जो है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसमें हम लायन वाला, एलिफेंट्स वाला दिखाएँगे। तो जितने भी जानवर बचे खुचे हैं चिड़ियाघर में, वो उन सबसे हम आपको मिलवाएँगे। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगेगा, आपके बच्चों को भी अच्छा लगेगा। तो चलते हैं फिर हम वीडियो की तरफ। और यहाँ पे हम जब एंटर हुए थे तो यहाँ पे कुछ कैट्स थी जो कि काफ़ी हमें भूखी लग रही थी, तो हमने कुछ उनको खाना वाना, हम लेके जाते हैं हमेशा जब भी जाते हैं, तो हमने इनको खाना वाना दिया। और ये काफ़ी प्यारी कैट थी, पहले हमने सोचा इसको घर ले जाते हैं, क्योंकि हमारे घर पर भी काफ़ी सारी कैट्स हैं, फिर हमने बोला नहीं यार, यहाँ पर ये खुशी से, आज़ादी से रह रही हैं। बस इनको हमने प्यार वगैरह किया, इनको खाना वगैरह दिया, तो फिर उसके बाद फिर हमने बोला चलो अब देखते हैं आगे कौन कौन से जानवर हैं। काफ़ी बुरी हालत में इस वक्त कराची का जो ज़ू है, वो आप अब खुद देखेंगे अपनी आँखों से कि कितने जानवर बाहर। तो ये जो कराची ज़ू है, इसका ये मेरा हाल आई थिंक ये गार्डन है, गार्डन का इलाका है, और ये भी गार्डन ही है इसका, क्योंकि बहुत सारे ट्रीज़ हैं यहाँ पर, दरख्त हैं, और बहुत ज़्यादा ग्रीन है। और असल में जो बहुत सारे जानवर हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा इन्वायरमेंट उनको देने के लिए यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ लगाए हैं। वो भी कोई केज हम तकरीबन सारे जो है ना वो आपको दिखाएंगे। अभी ये भी केजेस बने हुए हैं, लेकिन चेक करते हैं इसमें कोई है, कोई बर्ड है, कोई परिंदे वाला है या नहीं इसमें। आई थिंक ये खाली है, यहाँ की मेंटेनेंस थोड़ी सी ऐसी है, ये लोग इतना ख्याल नहीं करते, तो जानवर जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं, बर्ड्स वगैरह। यहाँ पे भी कोई था लेकिन उसका ये केज खाली है। ये वाला भी कुछ, कौन सा जानवर है ये? आई थिंक ये वो है जिसके कांटे होते हैं ना, वो है ये। ये खाएगी कुछ? अरे इतने डबल डबल केज लगाए हुए, ये वाला एक अलग से लगाया हुआ, वो वाला एक अलग से, थोड़ा सा होगा ये पतला। अरे हाँ, यहाँ से निकला है ये भी कोई, जैसे हिरन होते हैं ना, डियर्स, उन्हीं की कोई काइंड है, लेकिन ये डिफरेंट है। ये देख कितना अच्छा है, क्या जा रहा है, हम लेके आए थे इन लोगों के लिए, अरे खाने के लिए आ रहा है। मैं जब भी हम लोग जाते हैं तो इन लोगों के लिए खाने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेके जाते हैं, लेकिन उसको पसंद नहीं आया, वो रोटी नहीं खाता। ये इसमें एक मंकी है, आज मंकी से मिलते हैं। कैसे हो? ये चलें, एक और आ रहा है। अरे वाह, कैच पकड़ना, मैं मज़े से खा रहा, उसको भी दे दो भाई, बेगम से भी पूछ लो जी खा जा रहे हो। बेगम का एटीट्यूड खत्म ही हो रहा है, उसको तो दो ना। अरे तुम भी खा लो लड़की। नहीं भाई,
बस कर देना। ये लो आई 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 उसको दो। अरे शी इज नॉट इंटरेस्टेड। नहीं वो इंटरेस्टेड है, वो छोड़ नहीं रहा। काम किया। क्या नाम है तुम्हारा? पकड़ो पकड़ो और पकड़ो। अबे यार तुम भी तो गैरेज पे बैठ गई हो ना। हाँ। ये अच्छा कैच पकड़ा। वो पैसे रोटी पकड़ के खा रहे हैं। एक और दूं? हाँ वो पहले तो हर नहीं करी और दूं। वो खेरी पैर वाली नहीं छोड़ी। हाँ? और गुस्सा? गुस्सा? कैसे डाल रहे हैं? सर मैं डाल रहा हूँ। गिरी चीज उठा के खा रहे हैं। मंकीज के लिए खाना लेके आए थे, रोटियां लेके आए थे क्योंकि ये बहुत शौक से फूल हमें मिले नहीं और हमने बोला चलो रोटी ले लेते हैं और ये हम इनको फेंक रहे हैं क्योंकि हम फेंक ही सकते हैं, दे नहीं सकते क्योंकि काफ़ी सिक्योरिटी की वजह से इन्होंने दो तीन जालियां लगाई हुई हैं सेफ्टी के लिए। तो अभी वो खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। इनके पास पानी भी नहीं है असल में। इनको नहीं देते जिस तरह से इनको देना चाहिए ना खाना, ये नहीं देते ज़ू वाले। जब भी कोई आए ज़ू में तो लाजमी इन लोगों के लिए खाने के लिए कुछ ना कुछ लेके आया करें। पता नहीं ये कब उनको खाना देते हैं कब नहीं देते, पानी वानी भी देते हैं या नहीं देते। यहाँ पे कोई गोरिल्ला साहब लग रहे हैं मुझे, कहने वहाँ को कोशिश करती हूँ उसे दिखाने की। इसके अंदर इन्होंने डबल जो है ना वो लगाया हुआ है। हाँ ये गोरिल्ला है, ये ओमी गोरिल्ला है। इधर आओ मिस्टर। खाना आया तुम्हारे लिए? हाँ इसको सर बोल आया खाना। बोलो बात बात करोगे तुम, कुछ कहना चाहोगे तुम, नाम बताओगे अपना, कहाँ जा रहे हो? शुक्रिया तो अदा कर दो भाई, तुम्हारे लिए खाना लेके आए हम। कैसे हो? अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। ये सारे मंकीज थे, गोरिल्ला डिफरेंट काइंड के जो है ना वो मंकीज थे। अब ये है कि हम नेक्स्ट देखते हैं कौन सा जानवर है आगे। तो ये सामने जो है हमें एक शेर टाइगर जो जिसको बोलते हैं उसका केस दिखा है। अभी हम दिखाते हैं ये कैसा है, कितना बड़ा है। थोड़ा दूर से ही दिखाएंगे क्योंकि इन्होंने काफ़ी डिस्टेंस रखा हुआ, उसको मेंटेन किया हुआ। वो अंदर चला गया थी जैसे बाहर आता है। अब इसको तो भाई हम खाना भी नहीं दे सकते, इसके लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये अंदर घुसा हुआ है, पागल है। शेर के पास चले जाओ, थोड़ा मज़ा तो आए। आए कैसे हो? इसे रोटी दे दे। ये रोटी नहीं खाएगा शेर। आ कितना बड़ा है ऐसे ऐसे भी है, दिखा आप लोगों को ये से। ऐसे भी 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 लोग भी ये भी है। टाइगर टाइगर है ना, ये टाइगर भी को टाइगर कहते हैं। दुकान दिमाग खराब। इसको बाघ भी बोलते हैं ना वो लोग इंडिया में। बस सही है, बन गई। मुझे लग रहा है ये बात जू में बस यही है जो लोग खुश होंगे ना, इनके लिए सिस्टम अच्छा किया हुआ है। बात तो ऐसे ही है। अब वो इनकी बनाने की नहीं बनाई।
तीन तरीन नहीं है वीडियो नहीं है।